तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो बायजूस बड़ौदा T20 चैलेंज टूर्नामेंट है उसका भाई कल के दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का 2300 मैच जो कि खेला जाएगा ग्लैडिएटर्स वर्सेज चैलेंजर्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही साथ भाई इसका जो आज के दिन का दूसरा मैच खेला गया था यानी कि 2200 मैच वो भाई हमारे लिए अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप रहा था और उम्मीद है भाई ये मैच भी हमारे लिए ऐसा ही रहेगा। और यहां पर जो भी हम बात करेंगे वो सिर्फ आपको एक डेमो टीम होगी, फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं यहां पर दोनों टीम्स की, लेकिन उससे पहले भाई बात करेंगे दोनों टीम्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, कुछ मैच के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में, सारी चीजें यहां पर धीरे धीरे डिस्कस करेंगे जिससे आपको इजिली काफी अच्छी विनिंग के चांसेस बन जाएंगे। बात करें डेट एंड टाइमिंग की तो कल मॉर्निंग में 9 बजे मैच खेला जाएगा यानी कि 17 जनवरी को। बात करें वेन्यू की तो भाई ओलंपिक ग्राउंड वडोदरा में होने वाला है मैच। अगर इस वेन्यू के रिकॉर्ड्स की बात करें अभी तक के तो यहां पर आप देख सकते हो जो टोटल मैचेस हैं यहां पर भाई वो खेले जा चुके हैं 22, और यहां पर भाई 22 मैचेस में से आप देख सकते हो 10 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीते और 12 मैच बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते। लेकिन भाई इसमें एक कॉमन मतलब एक बिल्कुल आपको लगेगा कि मतलब थोड़ी अजीब सी चीज बताऊं, लास्ट के 6 मैच है ना वो लगातार भाई बैटिंग सेकंड करने वाली टीम विन कर रही है। तो इससे थोड़ा सा मतलब अंदाजा लग सकता है कि भाई सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम को अभी के हिसाब से पिच पर मदद मिल रही है। पिच की बात करें तो न्यूट्रल विकेट रहेगी यहां पर। सेकंड इनिंग में स्पिनर्स का रोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहा है तो यह चीज आप थोड़ी ध्यान में रखना। एवरेज स्कोर की बात करें तो आप देख सकते हो 140 से 160 के बीच में आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अभी के अभी जाइए वीडियो को पॉज करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी भाई चैनल पर पहले बार आ रहे हो वो भाई टेलीग्राम के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा यार वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो सच में यार प्लीज एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए। और अगर बाई चांस भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क ना करे तो आप सीधा सर्च भी कर सकते हो @KPMFantasyExpert। अब बात करते हैं भाई यहाँ पर ग्लैडिएटर्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 और प्लेयर्स के स्टेट्स की। अमित पासी की बात करें तो बेहतरीन से भी ऊपर का प्लेयर है, 118 मैच में 3400 यानी कि ऑलमोस्ट 3500 रन बना चुका है, 13 विकेट भी निकाली है। इसके अलावा शुभम यादव की बात करें तो एक बेहतरीन प्लेयर है, यहाँ पर आप देख सकते हो 96 मैच में भाई ऑलमोस्ट 3300 रन और 3 विकेट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे दोनों। इन दोनों को ग्रैंड लीग में CVC ट्राई कर लेना। किनीत पटेल की बात करें तो 80 मैचेस में यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2400 रन बना चुका है, सॉरी 2300 रन बनाए यहाँ पर भाई, 44 विकेट भी इन्होंने निकाले हुए हैं। इसके अलावा भाई बात करें शालीन शाह की तो आप देख सकते हो 72 मैच में ऑलमोस्ट 1500 रन भी है और भाई 57 विकेट निकाल रखे हैं। बात करें टीम के कैप्टन की तो भाई आप यहाँ से देख सकते हो जो मल्हार गेवारिया है भाई बॉलिंग में काफी ज्यादा ही गजब की फॉर्म में है। आप यहाँ पर देखोगे तो भाई बहुत ही ज्यादा गजब की फॉर्म में आपको बॉलिंग में दिखेंगे, मतलब रिकॉर्ड्स ये तो ओवरऑल रिकॉर्ड्स है लेकिन इस सीजन में भाई काफी कमाल कर रखा है। एक मैच में शायद 4 विकेट निकाली थी, एक में 3 निकाली थी, आप ऐसे देख सकते हो 53 मैच में ऑलमोस्ट 100 विकेट के आसपास पहुंच गए, तो 99 है बट 100 आप अराउंड फिगर में मान सकते हो। मानव बेदेकर की बात करें तो 24 मैच में 36 विकेट निकाल चुका और भाई 1000 के आसपास रन भी है, तो बेहतरीन प्लेयर आपके लिए होने वाला है। श्लोक देसाई की बात करें तो भाई 115 मैच में 130 विकेट और भाई यहाँ पर 3000 रन भी है, तो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर आपके लिए होने वाला है। हर्षिल प्रजापति की बात करें तो एक मतलब जीएल मिनी जीएल के लिए बेहतरीन प्लेयर रहेगा, आप देख सकते हो 93 मैचेस में 121 विकेट भी निकाल चुका है। वही अगर बात करें यहां पर जो अभिषेक बारिया है भाई 33 मैच में 99 विकेट यानी कि एवरेज भाई हर मैच में 3 विकेट का आ रहा है, इससे ज्यादा यार आपको और क्या ही चाहिए, तो बेहतरीन प्लेयर आपके लिए रहेगा। रचेस तांडल की बात करें तो 2 मैच खेले 2 विकेट निकाले। विजय हलाई की बात करें तो 87 मैचेज में 137 विकेट निकाले, तो यहाँ पर भाई जब ग्लैडिएटर्स की टीम है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है क्योंकि इनके पास जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। बात करें अगर चैलेंजर्स की टीम की तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ध्रुवेन पटेल है वो बेहतरीन फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, 90 मैच में 3000 रन बनाए प्लस 31 विकेट भी निकाले। बात करें आयुष राय की तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 मैच में 1500 रन के आसपास है, तो ठीक ठाक प्लेयर ये भी रहेंगे। अभिजीत कुमार की बात करें तो 14 मैच में 340 रन बनाए, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। प्रतीक सालुके की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 123 मैच में 60 विकेट और भाई यहाँ पर ऑलमोस्ट 2600 रन बना चुका है, तो बेहतरीन प्लेयर आपके लिए होने वाला है। बात करें अगर यहाँ पर यथारथ गुंचाला की तो भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिकॉर्ड है, 8 मैच में 668 रन भाई, ये भी आपको T20 में
मतलब सोच सकते हो कि क्या एवरेज रह रही होगी बंदे की, तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फॉर्म में, तो आप ट्राई कर सकते हो। राजवीर यादव की बात करें तो भाई 9 मैच में 387 रन बनाए और भाई 4 विकेट भी निकाले, तो ठीक ठाक प्लेयर आपके लिए होने वाला है। यशवर्धन सिंह भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर अपनी टीम का होने वाला है, बैटिंग प्लस बॉलिंग से दोनों से आपको कमाल करके दे सकता है। 66 मैचेस में भाई ऑलमोस्ट 1400 से ज्यादा रन बना चुका और भाई 126 विकेट भी निकाल रखे है। प्रतीक गोडारा की बात करें तो भाई 72 मैच में 1200 रन है और भाई 148 विकेट है, तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए होने वाला है। वही अगर बात करें यहाँ से रियाज दीवान की, तो आप देख सकते हो 13 मैच में 27 विकेट है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें जैनिल भट्ट की, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देख सकते हो 92 मैच में 173 रन बना चुका है, सॉरी 173 विकेट निकाल चुका है, 600 कुछ रन भी बना चुका है, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर आपके लिए रहने वाला है। जयपाल चंद की बात करें तो आप देख सकते हो 57 मैचेज में 70 विकेट निकाले, GL Mini GL में आप ट्राई कर सकते हो। अब भाई एक बार बात कर रहे थे दोनों टीम्स की लास्ट मैच में क्या क्या परफॉर्मेंस रह रही है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते भाई फैन कोड पर। तो यहाँ पे भाई ग्लेडिएटर्स की टीम अपना लास्ट मैच हार के आ रही है, वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से। यहाँ पर इनकी पहले बैटिंग की बात करेंगे, उसके बाद बॉलिंग की तरफ चलेंगे। बैटिंग की बात करें तो भाई अमित पासी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, यहाँ पर 48 रन बनाए। इसके अलावा भाई शुभम यादव ने भी 30 रन बनाए, श्लोक देसाई ने 19 रन बनाए। इसके अलावा भाई किसी ने कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ से नहीं दिया। अगर बात करें इनकी बॉलिंग की, तो यहाँ पर आप देखोगे कि विजय अलाई ने 2 ओवर डाले जिसमें भाई 23 रन दिए। इसके अलावा भाई मल्हार गेवारिया ने यहाँ पर 4 ओवर डाले, भाई यहाँ पर 38 रन दिए, विकेटलेस रहे। राम बारवाड़ की बात करें तो भाई 2 ओवर में 2 विकेट निकाले, तो जो 2 विकेट मिले वो राम बारवाड़ को ही मिले। श्लोक देसाई ने भी यहाँ पर 3 ओवर डाले, तो आपके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए श्लोक देसाई होने वाले हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वन डाउन पर बैटिंग भी कर रहा है, प्लस भाई कंप्लीट बॉलिंग भी करता नजर आएगा। हर्षल प्रजापति की बात करें 2 ओवर डाले, 11 रन दिए। रचेश टांडल की बात करें तो भाई 1 ओवर में 4 रन दिए। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ से भाई अभिषेक बारिया की, तो 2 ओवर में भाई 16 रन इन्होंने दिए। इसके अलावा मानव वेदकर की बात करें तो 2 बॉल पर 4 रन इन्होंने दिए, ठीक है। अब यहाँ पर भाई बात कर लेते हैं दूसरी टीम की, जो कि है चैलेंजर्स। भाई अपना मैच आखिरी वाला मैच जीत के आ रही है, वो भी भाई काफी ज्यादा अच्छे मार्जिन से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले इनकी बैटिंग की बात करते हैं, यहाँ पर भाई आयुष राय की बात करें तो भाई 22 रन बनाए। इसके अलावा ध्रुव एन पटेल की बात करें तो यहाँ पर 24 रन बनाए। अभिजीत कुमार की बात करें तो 26 रन बनाए। इसके अलावा भाई किसी को कुछ ज्यादा बैटिंग करने का मौका मिला नहीं। वहीं अगर बात करें इनकी बॉलिंग की, तो बॉलिंग काफी इंपॉर्टेंट रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हो हेमंत पुंडे की बात करें तो 1 विकेट निकाला, प्रतीक गौदारा की बात करें तो 2 विकेट निकाला, जैनिल भट्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 3 विकेट निकाले। इसके अलावा जयपाल चंद ने 1 विकेट निकाला, जय चावड़ा ने यहाँ पर 1 विकेट निकाला, राजवीर यादव भाई विकेटलेस रहे। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के बारे में, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर ड्रीम 11 टीम की। तो टीम भाई अब मैं आपको लिए बनाने वाला हूँ, लेकिन आपको एक बात बता दूं भाई, यहाँ पर क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये टीम सिर्फ और सिर्फ एक डेमो टीम होगी, फाइनल टीम सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो विकेटकीपर भाई देखो दोनों ही ओपनर और दोनों ही काफ़ी अच्छी फॉर्म में, तो दोनों को मैं अपनी टीम में रखना चाहूँगा। वहीं अगर बात करें बैटिंग सेक्शन की, तो ऐसे किनीत पटेल को आप ट्राई कर सकते हो, एक बेहतरीन प्लेयर आपके लिए होने वाला है। इसके अलावा यहाँ से ध्रुवेन पटेल को ट्राई कर लेना, और इसके अलावा यहाँ से अगर बात करें तो अभिजीत कुमार को आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। यहाँ से अगर बात करें तो आप यहाँ से शुभम यादव को अपनी टीम में जरूर लेके चलना। इसके अलावा बात करें तो ऐसे पी सालुंके को आप ट्राई कर सकते हो जीएल मिनी जीएल में, यहाँ पर जैलिन भट्ट आपकी टीम में रहेगा। इसके अलावा श्लोक देसाई आपकी टीम में 100% रहना चाहिए। वहीं अगर बात करें तो एम गेवारिया को आप ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा यहाँ से किसी को ट्राई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर बात करें तो भाई आपके लिए शालीन साहब बेहतरीन प्लेयर होने वाला है। देखो परफॉर्मेंस है ना कुछ लास्ट के मैचेज में गिरी है, लेकिन भाई उसके पहले 3 मैचेज में से 2 मैच हमें इसी ने विन करवाए थे, तो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर आपके लिए होने वाला है। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो। विजय अलाई का भी अगर लास्ट 2 मैच छोड़ दो, तो उसके पहले भाई काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, और इस मैच में विजय अलाई हमारा वॉइस कैप्टन था, तो आप देख सकते हो कितनी खतरनाक परफॉर्मेंस हमारी टीम की रही होगी। यहां पर बात करें तो पी गोडारा को हम अपनी टीम में रखेंगे, वाई सिंह को हम अपनी टीम में रखेंगे। इसके अलावा शालीन शाह की जगह अगर आप चाहो तो ऐसे आप विजय अलाई के साथ जा सकते हो, बट भाई शालीन शाह मेरे को थोड़ा ज्यादा मतलब सही लग रहा है, तो इसीलिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ। सीवीसी की बात करें तो कैप्टन भाई यहां से यश सिंह रहेगा। वॉइस कैप्टन की बात करें तो ऐसे भाई मैं एम गेवारिया के साथ जा रहा हूँ। इसके अलावा श्लोक देसाई भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सीवीसी का ऑप्शन होने वाला है। 4 ओवर की बॉलिंग करेगा, प्लस भाई यहाँ पर मतलब वन डाउन पर बैटिंग करके देगा, तो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर आपके लिए होने वाला है। इसकी अपडेट मैं आपको फाइनल टीम में दे दूंगा, क्या पता भाई मैं श्लोक देसाई को भी एज ए सीवीसी लेके चला जाऊं, तो ये चीज आपको टेलीग्राम चैनल पर ही पता लगेगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो जाइए भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं भी मिलता हूं आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।